कपिल पाजी आप समझ नहीं रहे मेरी इज्जत खतरे में है। ओ नाना ना खाने पीने के तो यहाँ पे बड़े मजे हैं बड़े मजे और ना दिल भी लगा रहता है। हाँ हाँ जी कपिल पाजी मैं क्या कह रही थी कि आप ना दूसरा मोबाइल ले लें वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मुझे इस मोबाइल पे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। हाँ मैं रख रही हूँ फोन। हाँ बाय। पब्ली कुछ तो बात है जिस पे तू पर्दा डाल रही है। खैर छोड़ तू मुझे ये बता इतनी सड़ी हुई गर्मी में तू सर पे टॉवल लपेट पे क्यों बैठी हुई है? कुछ मिला नहीं ना सर छुपाने के लिए इसलिए। क्या मेरा मतलब है कि कोई जगह नहीं मिली ना सर छुपाने के लिए। ओए बबली भाई गुरु ने तुझे इतने लंबे लंबे बाल दिए सर छुपाने के लिए और तू है कि टॉवल लपेट के बैठी हुई है। हे भगवान क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं फिर मुंह मेरे बालों पे बैठ गई। ओए बबली चलना चाय पी के आते और उसके साथ कुछ नमकीन शमकीन भी खा लेंगे क्या? बहुत मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। अरे पर मैं तो भूल ही गई सुनने में आया है कि चाय पीने से ना बाल टूट जाते हैं। है? बालों को थोड़ी चाय पिलाना है तो वो कैसे टूटेंगे? पर अगर अभी तू नहीं उठी ना तो सारे के सारे टूट जाएंगे। क्या मेरा मतलब है कि चलना बबली एक साथ चाय पी के आते हैं। हाँ तू जाएगी तो मैं आऊंगा ना गीना। आऊंगी ना। तू पक्का आएगी ना? पक्का आऊंगा। जल्दी आना। हाँ गी, हाँ आ जाना जल्दी। आ जाऊंगी। बच गया। गई गई गई। अरे जो भी है। ओए होए 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 सल्लू पाजी और क्या हाल है? ठीक है ना? ओए आपका वो कौन सा गाना था? ओए ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है। ओ आजा आजा बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा अब तो आजा 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 बैंड बाजा लेके आजा तेरी याद सताए दूल्हे राजा अब तो आजा। ओए ओए कमाल कर देता यार वो तुझे सलमान खान के गाने आते हैं? हाँ जी। ओए वेरी नाइस। अच्छा चौधरी जी आपको कुछ चाहिए? और चाहिए तो कुछ भी नहीं और लेकिन एक गल है चौधरी साहब की स्किन है ना तो थोड़ी सी रूखी सी हो रखी है और तेरे पास कोई इलाज इलाज हो तो बता ना। हेलो बस इन्नी सी बात ये कोई परेशानी है क्या? अब बताती क्या करना है दिन में दो बार के मथे पे ते गाल पे ते नक पे ते नी ओए मेरी स्किन पे रूखापन सा आया है और मेरे दिमाग में जंग नहीं लगा। नहीं जी मैं भी तो वही कह रही थी कि दिन में दो बार मत्थे पे ते गाल पे ते नक पे ना मलाई लगाया करूं तो आप तेरे रूखापन यूं चला जाएगा। ओ कोई गाल नहीं। वैसे चौधरी जी हाँ जी आप क्या सोच रहे थे? ओए कुछ भी नहीं और मैं क्या कह रहा हूँ पिनो मैं शॉपिंग के लिए मॉल जा रहा हूँ और अगर तुझे कुछ मंगाना है तो मुझे बता दे ले आऊंगा। हाय चौधरी जी पिन्नो को जो चाहिए वो मॉल में कहाँ मिलता है? तुम जानते हो बचपन में मेरा नाम गौहर था और मैंने एक शायरी लिखी थी उस शायरी को जो समझ जाए ना वो समझ जाएगा कि इस पिन्नो गरीब को क्या चाहिए। और तो वो शायरी ही सुना डाल। हाय रब्बा दिया है तूने मुझे सब कुछ। हाय रब्बा दिया है तूने मुझे सब कुछ सिवाय एक दूल्हे के। ओए 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 वो भी मिल जाएगा। सबर कर सबर कर। सबर कैसे रघु आज मैंने सावन का उपवास रखा है। ओए प्रॉब्लम वाली केड़ी गल है ओए आज नहीं तो तू कल सीख ही जाएगी कि सबर रखते कैसे हैं। हाँ जी और मेरा चश्मा कितने है? अरे यार मेरा चश्मा। और सलू पाई ओए हुड़ दबंग 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 हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़। हाय हाय ये मेरी गल कब समझेंगे या रब्बा। पंछी बनो उड़ते फिरो मस्त गगन में। ओए ये किधर से आया है? लगता तो बेकार टैप ही है। कोई गल नहीं
खा ही लेता हूँ। बदबू कितनी आ रही है। ओए पेटी शेटी में लगता है बहुत दिन से दबा था। कोई गल नहीं, इसका जूस निकाल के मैं पी जाऊंगा। ओए की गल है मनोहर भाई, बाहर बड़े राशन वाशन तफेले शफेले चढ़े हैं, सब खैरियत है? ओ जी मैंने आपसे कहा था ना कि सावन के महीने में लोगों को खाना खिलाने से न सिर्फ दुआएं मिलती हैं, बल्कि अपने दिल को खुशी भी मिलती है। तभी तो ना मम्मी गालिब साहब ने कहा है, दर्द दिल की खातिर पैदा किया इंसान को। ओए पुत्र पहले नाम तो सही ले, गालिब नहीं गालिब और खातिर नहीं खातिर। पुत्र अगर आज गालिब साहब जिंदा होते ना तो वाकई में उनके दिल में दर्द उठ जाना। पापा। भाई वरुणा काम तुमने बिल्कुल सही किया। चौधरी साहब भगवान भोलेनाथ की हम पर बहुत कृपा रही है, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उनके भक्तों के लिए कुछ करें। बिल्कुल ठीक कहती हूँ मैडम, वाकई में भगवान के बनाए हुए नेक बंदों की सेवा करने का आनंद ही कुछ और। मैं जरा कमल को देख के आता हूँ, वो किधर है? ओए क्या जला रहा है? ओए मेरा हाथ जल गया। ओए ओए पुलाव ऐसा बनना चाहिए कि मोहल्ले वाले है ना और वो उंगलियां चाटते रह जाए। ओ चौधरी साहब बिल्कुल फिकर मत कीजिए, आपका जो भी मेहमान आएगा ना बगैर उंगलियों के जाएगा। ओए चुप तमीज से बात कर, ओए मेहमान है हमारे, और चावल का एक एक दाना जो है ना अच्छे से पका होना चाहिए। ओए एक भी कच्चा रह गया ना तो मैं तुझे को रात भर मुर्गा बना के रखूंगा। ओए कभी उधर, ओए कभी उधर, समझा? और सुबह जो है ना मेहमानों को फ्राई करके खिला दूंगा। अच्छी क्यों अच्छे खासे आदमियों का आदमखोर बना रहे हो आप? ओए मेरा तो हो जाना है ना। और मैं क्या जी, बिरयानी बन गई। ओए ओए तू यहाँ क्या कर रही मर्दाने में? ओ मुझे तो रानी ने भेजा है। ओ उसे बिरयानी खाने का बड़ा मन कर रहा है, पता है आज उसे इतनी कमजोरी महसूस हो रही है कि उसने व्रत भी नहीं रखा। बन जाए तो बता देना। और वैसे बिरयानी के साथ साथ पनीर शनीर भी खाने को उसका मन बड़ा ललचा रहा था। ओए हाँ हाँ ठीक है, अब तू जा भेज देंगे। मैं क्या जी, चावल पक गए। ओए तू मुंह बंद रख। ओ चौधरी साहब तमीज से बात करें। ओ क्यों क्यों के? क्योंकि आज उपवास है ना। हाँ तो उपवास में गुस्सा नहीं करते, तमीज से बात करते हैं। और ठीक है तू चल मैं भी आता हूँ। वो आ जाइए ना, आपके दोस्त भी अंदर हैं, आ जाइए। वो आ रहा हूँ। ओ चल ना। हाँ चलो ना। ओ चल। ओ तेरी ते। ए चौधरी साहब चल। तेरी भूख लगी है, घर में इतने बड़े बड़े तपेले चढ़े हैं और किसी को मेरी फिकर तक नहीं है। बबली और बुआई और मुझे छोड़ के चले गए। हे भगवान मुझे कितनी भूख लगी है, मेरी तो जान जा रही है। खुशबू कहाँ से आ रही है? कितनी बढ़िया खुशबू। पिन्नू मेरा एक काम करेगी, बाहर ने इतने बड़े बड़े तपेले चढ़े हैं, देख के आएगी क्या? क्या पक रहा है? हाय बाहर तो तपेले चढ़े हैं, कोई असेंबली की फाइटिंग थोड़ी ना हो रही है जो मैं आके बताऊँ कि क्या हो रहा है न्यूज रिपोर्टर की तरह। फिर भी कुछ तो पता चली, बात आगे कहाँ तक गई। हाँ आलू उबल रहे हैं, मसाले भुन चुके हैं, प्याज कट चुके हैं, इन सब को मिला के जब हम भट्टी में डालेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। मिलते ब्रेक के बाद। ओए पिन्नू मेरी प्यारी पिन्नू आगे तो बता के जा। मेरी प्यारी रानी, भोलेनाथ ने ये सावन की उपवास की शुरुआत इसलिए की है ताकि हमें पता चले कि भूख के पेट कैसा महसूस होता है, सबर कैसे करते हैं, गरीब अपनी इच्छाओं को कैसे मारते हैं, है ना? आप लोग तो फिर भी फल फ्रूट खा लेते हो, गरीब जो है ना वो बस आसरी की सबर में रहता है, वो अपनी इच्छाओं को मार देता है।
ओए रानी, तू बड़ी समझदार निकली रे। दिल में बात ना, मेरे दिल को छू गई। हाँ, बात तो तब बने रानी जब ये बात दिल के बजाय आपके पेट में चुभे। ओए बिन्नू, दिल करता है हाथ चूमूं मैं आपके। क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेम साहब जी? अरे आपको पता नहीं कितनी खिदमत कर रहे हैं आप हमारी। कितने मासूम हैं आप, कितने मासूम। हाय मैं, ये तो बात आप ही को मालूम होगी। हाय हाय, वो क्या रौनक है आपके इस जमुनी चेहरे पे, तो क्या रोशनी है आपकी इस भेंगी आंखों में, तो क्या चमक है आपके इस पान खाए दांतों में, और ये क्या कलर है आपके बालों का। भाई मेरा तो दिल, मेरा दिल खींचा चला जा रहा है आपकी ओर। आपको तो मालूम है ना, अमीर और गरीब के इश्क में नुकसान हमेशा गरीब का ही होता है। वो बात तो सही की है जी आपने, इसी बात पे एक पप जप्पी हो जाए। जप्पी पाले, ऐस कर बेटा, ऐस कर। तीरे कहीं लग न जाए। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़। बॉडी शाडी बना ली है। शाबाश सलमान भाई। ओए यार, ओए मेरी अंगूठी कहाँ गई? ओए सोफे के नीचे लगता है चली गई। ओए अंगूठी कहाँ चली गई? ओए छुपी बैठी है ना सोफे के पीछे। ओए मैं चुक लेता हूँ तुझे को। ओए चौधरी, किधर जाने की तैयारी है? ओ नहीं जी, ओए मेरी जो अंगूठी है ना वो ये सोफे के नीचे चली गई है, और ये उठ नहीं रहा। वो थोड़ी हेल्थ टाइप की चीज कर दो। नीचे जाके ढूंढ ले अंगूठी। ओए तू देख और मैं संभालता हूँ। ओए देख, ओए ओए थले ही होएगी, देख आराम नाल देख। मेरी छोटी चौधरी को किसी की नजर ना लगे। हाँ हाँ हाँ, ओए ओए मेरा हाथ दब गया। ओए चुप, ओए निकाल। ओए 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 मेरा हाथ दब गया। ओए यार बड़ा पारी सी। ओए मेरा हाथ दब गया। ओए ओए अंगूठी भी नहीं मिली। चौधरी बड़ी जान है तो। ओए यार ज्यादा दंड बैठक ना मारा कर, वो हाथ दुख जाएगा। कसरत तो की है और एक उंगली से उठा रखा था, और कोई मजाक की बात तो है नहीं। हाय रानी, अब बता मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम परी बुआ, बगैर देखे तूने बता दिया, दुश्मन लग रही है तू मुझे। क्या है ना बुआ, सावन के महीने में ना मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ हाय हाय, तुम दोनों अभी तक यही हो, मर जानी हो। जब मैं दोपहर को आई थी तब भी तुम दोनों शीशे के सामने होके तैयार हो रही थी, और अब भी वही कर रही हो, मर जानी हो। करना क्या चाहती हो, हैं क्या खाके पैदा हुई हो? तुझे क्या, तू तो ऐसे बात कर रही है, तो कोई बहुत बड़ी हूर परी है, और तुझे मेकअप की जरूरत ही नहीं। वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगी, फिलहाल मैं जाके चौधरी जी को देखती हूँ। ये स्वादिष्ट खुशबूदार बिरयानी आपके लिए। टेस्ट करके देखी, मजेदार है ना जी? ना मेरा तो उपवास है। क्या बात कर रहे हो, तो एक काम करो, बढ़िया बढ़िया पनीर कोफ्ते से निकाल के अलग कर लो। बीबी जी दिल पे छुरिया मत चला।
देख तुझे मेरी कसम है, मेरी बात से इनकार ना कर, पनीर कोफ्ते अलग कर ले और खाना जरूर। जब तूने ना खाया ना, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। वैसे भी मुझे नाइयों से बड़ा प्यार है। हच, 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 हच। जी करता है मैं तेरे हाथ चूम लूं। फिटे मुंह ये गल है मम्मी जी, कुछ परेशान लग रहे हो तुसी। बस पुत्र, अब ये अनुराग और उसकी मम्मी पर मुझे कोई उम्मीद नहीं बची है। अब तो वाहे गुरु से एक ही अरदास करती हूँ कि हे वाहे गुरु, हमारी इज्जत की रक्षा करना वाहे गुरु। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि आप पर ना कोई बड़ी परेशानी आ गई। हाँ पुत्र, तूने सही पहचाना, बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है। कितने कितने ख्वाब देखे थे मैंने, अरे कितने कितने अरमान थे मेरे कि मिलो और अनुराग की शादी हो जाएगी। सब कुछ हाथ से निकल गया, मैं रो नहीं तो क्या करूं पुत्र, तू ही बता। मम्मी जी, अब तो ना बस वाहेगुरु से अरदास करो कि बिल्लो की शादी जल्दी से जल्दी किसी अच्छे घर में हो जाए, हमारे मन से भी बोझ उतर जाएगा। अरे ऐसी अरदास ना तू ही कर जाके वाहेगुरु से। मैं तो वाहेगुरु से अरदास करूंगी कि ऐसा कभी भी ना हो कि बिल्लो का रिश्ता कहीं और हो जाए। हे वाहेगुरु, वाहेगुरु मेरी अरदास सुन ले कि अनुराग और जो गोरी मेम है ना, उन दोनों के बीच में ना बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, वो कहीं चली जाए, वो पोना मर जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो गोरी मेम अनुराग की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए बस। मम्मी जी, जो वाहेगुरु ने दिया है ना, उसका शुक्र करना सीखो। रहने दे, तेरी संतों वाली बातें है ना, तू जाके वो तेरी ताई जी है ना अनुराग की माँ, उसके पास जाके कर, मेरे साथ नहीं कर। हाय ओए रब्बा, क्या होगा इस घर का, चल लिया मैं। हाँ हाँ जा। वाहेगुरु इसकी मत सुनना, मेरी सुनना। बिल्लो जी पर जाए, सब साफ सफाई ठीक से हो गई ना? आहो जी, और सब फल फ्रूट भी आ गए हैं और उन्हें अच्छे से मैंने रखवा दिया है। ये अपने नुक्कड़ वाले मेहता साहब है ना, उनके यहाँ पे आज भोले बाबा का भंडारा है, बहुत सारे लोगों को आता जाता देख रहा हूँ मैं। तो होने दो, हमारे यहाँ भी जब भंडारा होगा ना तो बड़े से थाल में सब कुछ सजा के उनके घर भेज दूंगी। ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अरे परजाई, मैं तो कहती हूँ कि भंडारे की पूजा के वक्त ना पुजारी जी को कहकर हम कमल पाजी की शादी के लिए ना मन्नत मांग लेंगे। हाय कितना सोना लगेगा मेरा वीर जब वो घोड़ी चढ़ेगा। पिन्नो, तुम्हारे हाथ में छेद हो गया है। हाथ में छेद नहीं है जी, दिल में छेद हो गया। क्या क्या बोलती रहती है। मैंने तो लगता है कुड़ी की तबीयत ठीक नहीं है। छोड़िए जी, चलिए पूजा की तैयारी करें, समय हो गया है ना। हाँ, चलो चलो। ओए होए होए होए, सल्लू भाई, ओए कमाल कर देता है। ओए वो कौन सा गाना था आपका रेडी में? ओए 12 महीने में 12 तरीकों से ओए तेरे नाल प्यार जितावांगा रे। ओ तुसी इत्थे बैठ जाओ एक मिनट। ओ ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का हे हे हे। ओए कमाल कर देता हो गाने ने, कमाल। ओ सल्लू भाई, सल्लू भाई, ओ जो आपके दवाइयों के नुस्खे हैं ना, उसके पीछे आपकी फोटो छाप दी है, ओए वो मुझे एकदम पसंद नहीं है। ओ वो बेकार की पब्लिसिटी करते हैं कंपनी वाले। हाँ जी, वो जो आपकी किक आ रही है ना, ओए किक, और उसमें आपकी बॉडी होनी चाहिए एकदम फिट और फट। ओए सल्लू भाई, ओए आपकी जड़ी फिल्म आई थी वो दबंग 2, ओए दबंग 2 में क्या है, वो आप थोड़े से मोटे से लगे थे। ओए मोटा सा नहीं लगना है, ओए एकदम आपको फिट फट लगना है। ओ सल्लू भाई, ओ किक में आपकी किक जो है ना, ये टांग और मेरे जैसी पतली होनी चाहिए ताकि आपको किक मारने में बड़ी आसानी रहे। हाँ जी ऐसी। ओ पाजी एक गल दसो, और जो किक में चश्मे होंगे ना, ओ वो मैं आपको भेजूंगा, और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे चश्मे हैं, वो चश्मा लगा के आप रखना, वो चश्मे मशहूर हो जाएंगे, और मशहूर हो जाएंगे तो मैं चाइना से ऑर्डर करके होर मंगवा लूंगा, और मेरा भी काम चाल निकलेगा, है ना सल्लू भाई। चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का हे 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 हे।
ओ पप्पू भाई, वो आप इधर किधर से आ गए? अबे क्यों, इधर आने के लिए वीजा लगवाना पड़ता है क्या? और नहीं जी, और मुझे लगा आप लोग फिल्मी लोग हो, और आपका इधर क्या काम? अरे शूटिंग चल रही है इधर पास में। अच्छा तू बता मेरी जान, अकेले ही खोल दिया उपास, पता पप्पू भाई, पप्पू भाई छोड़ दिया। ओ बहुत गुदगुदी सी हो रही थी। ओए हम गरीबों का क्या होता है, वो उपवास खोलने के लिए करना ही क्या पड़ता है, वो दो चार पकौड़े शकौड़े खाते हैं, वो उपवास खुल गया। अबे खोते मेरी कौन सी बीएमडब्ल्यू लगी है बार? ओ पप्पू भाई, ओ नाराज क्यों होते हो, ओ मैं जो है आपके लिए उपवास खोलने का इंतजाम से इंतजाम कराता हूँ। और वैसे आप एक बात बताओ, आपने व्रत रखा है? अबे पागल, फ्रिज में रखा है, जा लेकर आ। ओ पप्पू भाई, आप तो बड़ी कॉमेडी शमेडी करते हो। ओ लेकिन कॉमेडी करना आपका काम नहीं है, वो आपका काम तो कुछ और ही है। अबे माँ के लाल, पप्पू तो हर फन मौला है, इसलिए तो ड्रामे में। एक बात बता मेरी जान, जब तक ये शूटिंग चल रही है, पप्पू क्या इस आलीशान से हवेली में रह सकता है क्या? कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं पप्पू भाई, ओ जब तक रहना रहो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मूछो वाली चुड़ैल तो चली गई है ना? ओए कोई सुन लेगा? अच्छा नहीं लगता। ओए छत्ती कर छत्ती, दिमाग न खराब कर फिर होती। ओ पीनो तुझे लगी तो नहीं? इस घर में रानी के कम थी, धक्का मारने के लिए तू आ गई है। और तू तो ऐसे बात करी जैसे तू अमेरिका के प्रधानमंत्री की बीवी हो। गरीबों के लिए कोई हमदर्दी देख के ना मुझे नहीं लगता कि तू चौधराइन की बेटी है। वो जो गरीबों से ना करे प्यार, उसके मुंह पे पड़ती है फटकार। मेरे हस्बैंड के ना काफी चर्चे चल रहे हैं, राकेश भट्ट ने मुझे फिल्म ऑफर किया है। और राकेश भट्ट की नजर इतनी कमजोर है। वो फिल्म ना बड़ी गंदी थी बबली, मुझे ना ऐसे मुंह पर ना दुपट्टा डालकर वो फिल्म देखनी पड़ी। बड़ी गंदी फिल्म थी, मुझे बड़ी शर्म आई। तू ना मुझे एक बात बता पीनू, तू इतनी सड़ी जोक्स क्यों मारती है, है? और तुझे देख के लगता नहीं कि तेरा रिश्ता गाजियाबाद से है? मेरा ध्यान ना तुझ पर है, सब पता है मुझे। हाँ तू ना अपना नाम पीनू से ना जीनो रख ले, जीनो। हाँ सब जानती हूँ मैं तेरे बारे में, सब जानती हूँ। तो क्या जानती है ये, क्या कह गई? वो पता करना पड़ेगा, पता चला कल को ये भी एक भाई निकली। Thank you.